सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्यंजन संधि, हमारा आज का विषय है संधि। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं संधि के ऊपर, जिसमें हमने पहली वीडियो में जाना था संधि किसे कहते हैं और संधि की क्या परिभाषा है, किस प्रकार संधि की जाती है और किस प्रकार संधि विच्छेद किया जाता है, और स्वर संधि, संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के कितने उपभेद होते हैं। पहली वीडियो में हमने जाना स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उनके भेदों के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने स्वर संधि को पूर्ण किया था। अब तीसरी वीडियो में हमने व्यंजन संधि को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने व्यंजन संधि के कुछ नियमों को जाना था। आज हम व्यंजन संधि की पुनरावृत्ति करेंगे और उससे आगे के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि के और अन्य कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है, एवं किसी भी शब्द की व्यंजन संधि करने में हमें आसानी होगी उन नियमों को जानने के पश्चात। तो हम व्यंजन संधि के जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ नियम पढ़े थे उन नियमों की पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद में हम व्यंजन संधि के अगले नियमों को जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि, जैसे कि हमने स्वर संधि जाना था कि पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि पूर्व पद में जहाँ पर स्वर होगा और उत्तर पद में भी जहाँ पे दोनों, मतलब जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में स्वर होगा वहाँ पर व्यंजन संधि कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस का निशान है, यहाँ पे इस प्लस के निशान के इधर ये देखिए, इस प्लस के निशान में जो तय है ये पूर्व पद है और जो चय है ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद जहाँ पे ये दोनों ही स्वर होंगे वहाँ स्वर संधि हो जाती है, लेकिन जहाँ पे जो तय है ये पूर्व पद है, यानी कि पूर्व पद में व्यंजन होगा और जहाँ ये चय है ये उत्तर पद कहलाता है, तो उत्तर पद में क्या होगा, व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। लेकिन जहाँ तय है वहाँ पर डेफिनेटली 100% वहाँ पर जो क्या होगा, वहाँ पर व्यंजन ही होगा। अर्थात जहाँ पर व्यंजन, पूर्व पद में व्यंजन होगा और उत्तर पद में स्वर एवं व्यंजन दोनों होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पूर्ण रूप से व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि में हमने ये जाना कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि में हमने ये वर्ग पढ़े थे, 5 वर्ग। वर्ग का मतलब समूह होता है और एक समूह में 5 वर्ण आते हैं इसमें, जैसे क वर्ग, क का पूरा समूह, च वर्ग, चा का समूह, ट वर्ग, टा का समूह, त वर्ग, ता का समूह, प वर्ग, पा का समूह। यानी कि अगर हमने का वर्ग, क वर्ग बोला तो क वर्ग मतलब ये सभी आ गए इसमें 5 वर्ण का के सामने जो लिखे हैं। चलिए इस वर्ग के बारे में हमने जाना था। उसके पश्चात हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जहाँ पे हो और उसके पश्चात में उसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या फिर ये, रे, ले, वे है या कोई भी स्वर आ जाए तो उसके, उसी वर्ग के पहले वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी कि अगर का है किसी वर्ग का, क वर्ग का क है तो उस क वर्ग में उस, हाँ तो उस क वर्ग में क को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग। जैसे कि उदाहरण के तौर पे नीचे दिए हुए भी हैं, यहाँ पे आपने देख, यहाँ पे देख रहे हो आप, यह पूर्व पद क है और उत्तर पद यहाँ पर ग है, तो यहाँ पे इस क को भी ग हो जाता है और ये क व्यंजन है और व्यंजन है इसका मतलब ये आधा है, क्योंकि अगर इसमें स्वर जुड़ जाता तो नीचे से हलंत हट जाता और ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं रहता, फिर ये स्वर के साथ में व्यंजन मिलता जुड़ता, तो इसलिए का को गा हुआ तो गा भी आधा ही होगा, इसलिए का प्लस ग, आधा क प्लस ग, यानी कि आधा ग प्लस ग, तो क्या बन गया, दिग प्लस गज, दिग्गज। चलिए आगे देखते हैं, वाक प्लस ईश, वागीश, अज प्लस अंत, अजंत, षट प्लस आनंद, षडानन, अ प्लस ज, अब्ज। और दूसरे नियम में हमने पढ़ा था यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, चे, टे, ते, पे, किसी भी वर्ग का, यानी कि जो सभी वर्गों का पहला पहला वर्ण है, ध्यान देखिए, क वर्ग का क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है और प वर्ग का प है, हर वर्ग का पहला पहला वर्ण है। और इस नियम में हमने कहा था कि यानी कि पूर्व पद में यदि इन्हीं वर्गों का पहला पहला वर्ण हो और उत्तर पद में न या मैं आ जाए तो
पूर्व पद में उस वर्ण को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी कि अगर कहीं पर क है और उस क के बाद में मैं आ रहा है तो उस क को उसी वर्ग का कवर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर टय है और उस टय के सामने कोई न आ गया या मैं आ गया तो उस टय को उस वर्ण का लास्ट का वर्ण हो जाएगा। टय का लास्ट वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण, टय, ठे, डे, ढे, णे, तो णे है तो अणा हो जाएगा वहाँ पे। टा को क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे यहाँ पे टय प्लस मैं प्लस णे, सट प्लस मास क्षण मास, तो टय को क्या हो गया, णा हो गया। अब टय आधा है तो णा भी आधा ही होगा, क्योंकि टय क्या है, व्यंजन है। इस समय टय पूर्ण रूप से व्यंजन है, इसमें कोई स्वर मौजूद नहीं है। अगला नियम में हमने पढ़ा था, पूर्व पद में अगर तय है और उत्तर पद में इनमें से कोई सभी वर्ण है और या फिर सामने स्वर है तो उस ता को दय हो जाएगा। अब ये जो क्या है, गा घा, दा धा, बा भा, ये रे वे। अब देखिए, गा घा क्या है, कवर्ग का है, दा धा किसका है, तवर्ग का है, और बा भा किसका है, पवर्ग का है। यानी कि कवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, हाँ पवर्ग, ये और ये रे वे, ये सामने वर्ण हो, ये स्वर्ण सामने हो यानी कि उत्तर पद में हो और पूर्व पद में तय हो। पूर्व पद, उत्तर पद, इस चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, पूर्व पद में तय हो और उत्तर पद में से इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो सामने जो है तय को क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। उदाहरण के रूप में सत प्लस भावना, सामने भय है, पूर्व पद में तय है तो तय को क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। तो सत प्लस भावना को जो है सद प्लस भावना हो जाएगा, सद्भावना। कुछ उदाहरण और दिए गए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। अगले नियम में हमने पढ़ा था, तय से परे चे या छे होने पर जे या झे होने, जे या झे को, हाँ सॉरी, तय से परे चे या छे है तो उसको चा हो जाएगा, जे या झे हो तो उसको जे हो जाएगा, टे या ठे हो तो उसको टे हो जाएगा, और ढे या ढे हो तो उसको ढे हो जाएगा, और ले को ले हो जाएगा, यानी कि पूरे ले को आधा ले हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, तय से परे चे है तो तय को भी क्या हो जाएगा, चे हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं होएगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, किसी भी चीज़ की यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो उत्प्लस चारण, अब तय से पहले उस तय है सामने और उसके, सॉरी, पूर्व पद में तय है, उत्तर पद में चय है, ये स्थिति पहले नहीं आई है, क्योंकि पहले चय वर्ग की कोई बात ही नहीं हुई है, कोई किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए दिमाग में अपने इस चीज़ को, दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिएगा कि अगर वहाँ पे ये वर्ण आ जाए तो हर परिस्थिति को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अंतिम में ध्यान दीजिएगा कि कोई परिस्थिति बचेगी नहीं जिससे आप ऐसा सोच सके। तो उत्प्लस चारण तो क्या हो जाएगा, उच्च प्लस चारण हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर उत्तर पद में चय या छ है तो उन दोनों को चय हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है आपके चय नियम में, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है ना, तय से परे चय या छ होने पर ता को क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। ऐसे जो है आगे लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए, जा मतलब तय से परे जे या झे होने पर उसको जे हो जाएगा, लिखा है ना। ऐसे ही आगे देखिए, टे या ठे होने पर उसको क्या हो जाएगा, टे हो जाएगा। आगे लिखा है, डे या ढे होने पर उसको क्या हो जाएगा, ढे हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो है, हाँ। अब अगला नियम कहता है, तय का मेल यदि शय से हो तो तय को चय और शय को झय बन जाता है। यानी कि पूर्व पद में तय हो, उत्तर पद में शाह हो तो ता को तो क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा, और शाह को क्या हो जाएगा, छय हो जाएगा। क्लियर। अब ये ता और प्लस शाह तो ता को चय हो गया, यहाँ पे देखिए हो रहा है ना, तय प्लस शय यानी कि तय को चय हो गया और शाह को छय हो गया, हो गया ना। तो उत प्लस श्वास यानी कि तय को उच्च हो गया, यहाँ पे उच्च प्लस यहाँ पे श्वास हो गया, है ना, शाह है तो शाह क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, श्वास यानी कि उच्छ्वास जुड़ के बन गया उच्छ्वास। अगला नियम देखते हैं। तो
यहाँ पर अगले नियम में है, पूर्व पद में तय है और उत्तर पद में उसका मेल है से हो तो है से हो तो तय का दय हो जाएगा और है का क्या हो जाएगा, धय हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, यानी कि अगर तय के सामने शाह होगा तो तय को चय और शाह को छ हो जाएगा। इसी तरह अगर तय के सामने है आ जाए तो तय का तो धय बन जाएगा, क्लियर है, यानी कि दय सॉरी दय और है का क्या बन जाएगा, धय बन जाएगा। तो यहाँ पे नीचे उदाहरण में देखो लिखा है ना, तय प्लस है तो तय का क्या बनेगा, दय और है का क्या बनेगा, धय। यहाँ पर तो इन दोनों को मिलेगा, इन दोनों का उदाहरण आगे देखा है, उत प्लस हार तो उत का ता तो बन गया दे उद, उद प्लस और है का बन जाएगा धै धार, यानी कि उद प्लस धार दोनों को मिलाकर के लिखेंगे उद्धार। आगे ऐसी नीचे उदाहरण देख लीजिए, तत प्लस हित तो यहाँ पे तत का ता तो क्या बन जाएगा, दा, तो तत की जगह क्या बन जाएगा, तद और हित, हित का बन जाएगा धित, तो तद प्लस धित दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, तद्धित बन गया ना, तद्धित। तो इस नियम को भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि तय के सामने अगर है आ जाएगा तो तय का तो हो जाएगा दय और है का हो जाएगा धय, तो तद प्लस धित तद्धित। अगले नियम में देखते हैं, स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, जैसे ए प्लस छ, ठीक है, अच्छ, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छ आ प्लस छ आच्छ हो गया, ठीक है, तो आ प्लस छादन आच्छादन। चलिए अगला नियम देखते हैं, ये नियम हाँ अगला देखते हैं, यदि यहाँ पे यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो, ध्यान दीजिए इसमें पांचों वर्ग आ गए हैं, कैसे लेके मैं तक, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, पवर्ग पवर्ग लास्ट है तो पा फा बा भा मा, तो मैं आ गया ना लास्ट में, तो यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है पूर्व पद में अगर मैं है और उत्तर पद में कोई भी 25 के 25 व्यंजनों में से कोई भी आ जाए, 25 व्यंजन में ही केवल, ध्यान रखिएगा 25 व्यंजनों की बात की है, स्पर्श व्यंजन की, इसके अलावा ये रे ले वे है श से ठीक है इत्यादि का किसी का वर्णन नहीं किया गया, केवल उन्हीं 25 व्यंजनों का वर्णन किया गया जो वर्ग में आते हैं, यानी कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, इन पांचों की बात की गई है। तो मैं के बाद में यदि इन पांचों वर्गों में से कोई भी वर्ण आ जाता है तो जो वह मैं है वो मैं अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर नीचे देखिए, किम प्लस चित, तो किम प्लस चित है तो माँ का क्या बन गया, अनुस्वार हो गया, माँ अनुस्वार में बदल गया, किंचित हो गया। अब ऐसे ही किम प्लस कर, तो किम प्लस कर में जो किम में मैं है वो अनुस्वार में बदल गया तो क्या बन गया, किंकर। सम प्लस कल्प, तो सम प्लस कल्प में ये क्या हो गया, संकल्प। सम प्लस चे, सम प्लस चय में क्या हो गया, संचय। सम प्लस तोस, तो मैं का यहां पर अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा संतोष। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, सम प्लस बंद, अब इसके आगे पा फा बा का बा आ गया तो मां का क्या चला जाएगा, अनुस्वार, तो सम प्लस बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से सम प्लस पूर्ण का हो जाएगा तो माँ यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा तो यहाँ बलेगा सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। अगले नियम में देखते हैं, मैं के बाद मैं का द्वित्व हो जाता है, जैसे अगर माँ के पश्चात में माँ आ जाएगा तो उन दोनों का द्वित्व हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये साधारण है, इसमें कोई इतना ध्यान देने वाली आवश्यक बात नहीं है, क्योंकि माँ के पास माँ आएगा तो सेम परिस्थिति आपके सामने रहेगी इसमें जो है। तो
तो सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति इत्यादि। अगले नियम में देखते हैं, मैं के बाद में, जैसे ऊपर कहा था माँ के बाद माँ आ जाएगा, तो माँ क्या रहेगा, माँ वैसे उसी परिस्थिति में रहेगा, सेम सिचुएशन में रहेगा। माँ के बाद में यदि में 25 वर्ण आते हैं, यानी कि 25 व्यंजन जो बताए गए हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। अब बचे बाकी के स्वर, बाकी के व्यंजन सॉरी, ठीक है, माँ के बाद में उन व्यंजनों के बाद अलावा जितने भी व्यंजन बचते हैं, ये रे ले वे श सा है, में से कोई व्यंजन होने पर तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी वही परिस्थिति है सेम, बस नियम अलग अलग है। तो मैं प्लस ये, सम प्लस योग, ये आ गया तो सम संयोग, ठीक है, संयोग हो गया यहाँ पे। सन सम प्लस रक्षण, संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार, ठीक है, संरक्षण नहीं बोलेगा वो, संरक्षण, ठीक है। सम प्लस विधान, संविधान, सम प्लस वाद, संवाद, सम प्लस शय, संशय, शमशय, ठीक है, सम प्लस लग्न, संलग्न, सम प्लस सार, संसार। चलिए आगे ध्यान देते हैं, अगला नियम है आपका टय का नियम, यानी कि टा नियम आपका जो है क्रम संख्या में, ठीक है। पूर्व पद में री रे या शे से परे ने या ने का ने हो जाता है, परंतु चवर्ग टवर्ग तवर्ग शा और सा का व्यवधान हो जाने पर ना का णा नहीं होता है, जैसे, ठीक है, रे प्लस ने, ठीक है, तो उणा हो गया, परी प्लस नाम, ठीक है, तो पूर्व पद में रा है और उत्तर पद में ना है, ठीक है, तो रा को क्या हो जाएगा, रा का रा रहेगा, लेकिन ना यहाँ पे कहा था ना को उणा हो जाता है, से परे ना को उणा हो जाता है, अगर पूर्व पद में रा है, री है, रा है, शा है। अभी तक हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि अधिकतर जो है सभी में पूर्व पद में परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ उत्तर पद की बात की गई है, ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्व पद में री रे शे से परे अगर ने आ जाएगा तो उस रे को ने हो जाता है, ठीक। प्रे प्लस मान, ठीक है, प्रे प्लस मान है ना, तो यहाँ पे देखिए उत्तर पद में यहाँ पे मान में ने बाद में आया है, तो यहाँ पर भी ना को णा हो जाएगा, प्रमाण, ठीक। अगला नियम देखते हैं, ठा से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो शे को शा हो जाता है, जैसे इसमें कहा है, ध्यान दीजिए, से से पहले, यानी कि से पहले अगर ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो से को शा हो जाता है, जैसे उदाहरण, भय प्लस से, यानी कि भय प्लस से का क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। यहां पे अभी प्लस शेख है, तो यहां पर जो है अभी प्लस शेख में जो है जो सा है, इस दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है सा से पहले कोई स्वर आ जाए, तो यहाँ पे भा है और भा में कौन सा स्वर है, भा में ई स्वर है, ए आ तो नहीं है, यहाँ पर ई स्वर है। अब ऐसी अगले में देखिए, नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध में सा से पूर्व में एक स्वर है, नी में कौन सा स्वर लगा है, ई लगा है, ना ए है ना आ है, इसने कहा है यानी कि सा से पूर्व में, सा से पहले, यानी कि उत्तर पद में से होगा और पूर्व पद में ए और आ से छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाएगा तो वहां पर से को शा हो जाएगा, ठीक है। वी प्लस सम, से पूर्व ई है तो से को शा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विषम, विषम बन गया यहां पर। अभी हमने जाना व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी कि व्यंजन संधि कहते हैं आप, जैसे हमने पढ़ा आज, पूर्व पद में व्यंजन होगा और उत्तर पद में क्या होगा, उत्तर पद में कोई भी व्यंजन या स्वर आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। अभी तक हमने पढ़ा है संधि के भाग में कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं।
ध्यान दीजिए, वर्णों के मेल को, शब्दों के मेल को नहीं, जहां पर दो वर्णों का मेल हो रहा हो। और कौन से दो वर्णों का? वो भी जो आपस में सबसे नजदीक हो, अर्थात सबसे निकटतम वर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद हमने जाना संधि के कितने भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। सबसे पहले हमने जाना स्वर संधि के भेदों के बारे में कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के क्या क्या नियम होते हैं, वो हमने पढ़े, जिससे हमें पहचान हुई कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि में हम किसी शब्द की संधि करते हैं तो किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, ये हमने जाना। उसके पश्चात हमने जाना कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के पश्चात में स्वर या व्यंजन हो, जहाँ पर वर्ण आ जाए तो उनके मेल, वहाँ पर उनके मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और वर्णों के विच्छेद को संधि विच्छेद कहते हैं। तो अभी हमने जाना स्वर संधि, अभी तक हमने जाना स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पॉज कर करके उसके नियमों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें और उदाहरणों की बार बार पुनरावृत्ति करें। अगर आप उदाहरणों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं या फिर आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो संधि आपके दिमाग में थोड़े समय तक रहेगी, परंतु उसके बाद में आप फिर उसको भूल जाओगे। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पुनरावृत्ति रिवीजन करते रहें जरूर। छुट्टियां भी काफ़ी बीत चुकी हैं और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि घर पे ही रहें, किसी से ना मिलें, रिश्तेदार इत्यादि से भी, जो भी खाएं पिए सब चीज़ों को धो करके खाएं पिए और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।